नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में आज पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग। सरकार के इस विभाग में 9,109 पदों पर होने वाली है बंपर भर्ती। पटना के ऐतिहासिक गोलघर का पर्यटक जल्द कर सकेंगे दीदार। नालंदा में 26 मई को लगेगा जॉब कैंप। आकाश मधवाल के मुरीद हुए इरफान पठान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग। आज यानी कि 25 मई को बिहार के 300 प्रखंडों की 593 पंचायतों में 605 पदों के लिए मुखिया, पंचायत सदस्य व पंच के लिए आज मतदान हो रहा है। बता दें कि इस चुनाव को लेकर 86 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मतदान के दौरान मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू कर दिया गया है और साथ ही पंचायत में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं वोटों की गिनती 27 मई को सुबह 8 बजे से संबंधित प्रखंड मुख्यालयों पर होगी। मालूम हो कि सभी पदों के लिए अलग अलग ईवीएम में वोट डाले जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोट डालने वाले वोटरों की फोटोग्राफी भी हो रही है। सरकार के इस विभाग में 9,109 पदों पर होने वाली है बंपर भर्ती। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं और आपको सरकारी नौकरी करने की इच्छा है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी गई है कि बहुत जल्द ही पंचायती राज विभाग में 9,109 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 7,017 लेखपाल, 80 सहायक, 326 कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम कचहरी सचिव के भी उन पदों को भी इसी साल भरा जाएगा जो खाली है, जिनकी संख्या कुल 1,420 है। मालूम हो कि विभाग की ओर से सभी रिक्त पदों को भरने के लिए जिलों से रिक्तियां मांगी गई है, जिसके आधार पर ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पटना एम्स में एक साल बाद 3 डिपार्टमेंट शुरू। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटना एम्स में एक साल बाद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जीके पॉल की देखरेख में न्यूरो नेफ्रोलॉजी व हृदय रोग से जुड़े विभाग की शुरुआत की गई है। मालूम हो कि यहां कुल 6 फैकल्टी के द्वारा ज्वाइन किया गया है, जिसके बाद ही ओपीडी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि पिछले एक साल से इस विभाग से जुड़े डॉक्टर का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में तीनों विभागों के ओपीडी को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई है, जिससे कि उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जो न्यूरो नेफ्रोलॉजी व हृदय रोग से पीड़ित हैं। मालूम हो कि बहुत जल्दी पटना एम्स में रिक्तियों को भरे जाने की भी अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं डॉक्टरों की नियुक्ति होने के बाद तीनों विभाग पूरी तरह से कार्यरत हो जाएंगे। नई शिक्षक बहाली के खिलाफ शिक्षकों का धरना जारी। जब से बिहार की कैबिनेट बैठक में नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगाई गई है, तब से लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर विरोध किया जा रहा है। बता दें कि शिक्षकों का यह विरोध अब भी जारी है। बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिंह ने कहा है कि हमारे सत्याग्रही शिक्षक लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप एवं बारिश में भूख प्यास के बावजूद अपनी मांगों को लेकर धरना पर डटे हैं। सरकार निर्ममता और असंवेदनशीलता को त्याग दे और शिक्षकों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। इसलिए सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी घोषित करने के लिए अध्यापक नियमावली 2023 में आवश्यक संशोधन करें। पटना के ऐतिहासिक गोलघर का पर्यटक जल्द कर सकेंगे दीदार। पिछले काफी सालों से बिहार की राजधानी पटना में स्थित ऐतिहासिक गोलघर पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बहुत जल्द ही एक बार फिर से गोलघर को पर्यटकों के लिए खोला जाना है। यानी कि बहुत जल्द ही अब लोग एक बार फिर से गोलघर की घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पूरे पटना का नजारा ले सकते हैं। दरअसल वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा करीब 96 लाख की लागत से गोलघर का जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य चल रहा है, जो कि इस महीने यानी कि मई तक पूरा होने की संभावना है। ऐसे में सभी कार्य पूरा होने के बाद एक बार फिर से पर्यटक गोलघर पर चढ़ने का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही कार्य पूरा होने के बाद गोलघर कैंपस में आयोजित होने वाले लाइट एंड साइड कार्यक्रम को भी शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि गोलघर को आम लोगों के लिए 2017 में बंद कर दिया गया था। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। रेलवे की ओर से यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई है। बता दें कि यह समर स्पेशल ट्रेन अगरतला से गया, सिलचर से गोरखपुर, न्यू जलपाईगुड़ी से ओखा और गुवाहाटी से पुणे के लिए चलेंगी, जो कि वन वे स्पेशल ट्रेन होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है उनमें गाड़ी संख्या 05610 अगरतला गया वन वे स्पेशल, गाड़ी संख्या 05609 सिलचर
अमृतसर गोरखपुर वन वे स्पेशल गाड़ी संख्या 05736 न्यू जलपाईगुड़ी ओखा वन वे स्पेशल और गाड़ी संख्या 05650 गुवाहाटी पुणे वन वे स्पेशल ट्रेन शामिल है। शिक्षक नियुक्ति के लिए इस माह जारी होगा विज्ञापन। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के 170,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इसी माह विज्ञापन जारी किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञापन जारी करने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जिसके तहत उसका ड्राफ्ट शिक्षा विभाग को भेजा गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग को भेजे गए इस ड्राफ्ट का सबसे पहले विभाग की ओर से मूल्यांकन किया जाएगा और देखा जाएगा कि ड्राफ्ट नियमावली के अनुसार है या नहीं, और फिर इस ड्राफ्ट को विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। बाद बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विद्यालय अध्यापकों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार नई शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षक नियुक्ति का कार्य बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। अक्षरा सिंह ने पिता के साथ शेयर किया फनी वीडियो। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पोस्ट डालती रहती हैं, जो उनके फैंस के द्वारा काफी पसंद भी किया जाता है। बता दें कि अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे अपने पिता के साथ नजर आ रही है। दरअसल अक्षरा सिंह के द्वारा अपने पिता के साथ एक रील अपलोड किया गया है, जिसमें वो काफी मस्ती करती नजर आ रही है। दोनों ने इस वीडियो में ट्विनिंग करते हुए ब्लैक टी शर्ट पहना है। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षरा सिंह ने कैप्शन में लिखा है, कभी जो ना पीटो पापा, रील के बहाने बचपन की कसर निकाल रहे, और फिर उन्होंने एक हंसने वाला इमोजी भी लगाया है। मालूम हो कि इस वीडियो में अक्षरा सिंह के पिता अक्षरा सिंह को पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने एक और रील शेयर की है और लिखा है कि पहली बार सबसे प्यारे पापा के साथ एक हुकअप स्टेप, आप भी ट्राई करें ये हुकअप स्टेप और मुझे टैग करो। बता दें कि उनके इस वीडियो को उनके फैंस के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में मकान तोड़े जाने को हाईकोर्ट ने बताया वैध। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में मकान तोड़े जाने के मामले पर दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि नेपाली नगर में मकान तोड़ा जाना अवैध है। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं कोर्ट के द्वारा इस मामले पर निर्णय देते हुए बताया गया है कि जिन भी लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर क्षतिपूर्ति की राशि अधिक होती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा, और जिन भी मकानों का निर्माण वर्ष 2018 के बाद किया गया है, उन सभी मामलों में दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत विचार करने का निर्देश दिया गया था। सरकारी विद्यालयों में होगा समर कैंप का आयोजन। 1 जून से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होने वाली है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि 30 जून तक चलेगा। बता दें कि इस कैंप में कक्षा 6 और 7 के छात्र छात्राओं की भाषा और गणित की बुनियादी कौशल का संवर्धन किया जाएगा। मालूम हो कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा स्वयं सेवक को चिन्हित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समर कैंप के आयोजन में शामिल होने वाले सभी स्वयं सेवकों को एक एक कैलेंडर, ब्लैकबोर्ड और एक एक डिब्बा चौक उपलब्ध कराया जाएगा। मालूम हो कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सभी अपने क्षेत्र के तहत आने वाले विद्यालय प्रधान को निर्देशित करें और सभी स्वयंसेवकों को 30 मई तक सभी चीजें उपलब्ध करवा दें। नालंदा में 26 मई को लगेगा जॉब कैंप। अगर आप भी बेरोजगार है तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि कल यानी 26 मई को बिहार के नालंदा में बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत जिला नियोजनालय सब मॉडल करियर सेंटर MCC परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस रोजगार मेला में ITI डिप्लोमा इंटर पास 1550 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें 5 कंपनी शामिल होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 2 फोटो व शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य होगा। उनका जिला नियोजनालय से संबंधित होना आवश्यक है। कैंप में भी निबंधन की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए युवाओं को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। पट्टा महावीर मंदिर की दान पेटी में मिले इतने 2000 के नोट। जब से RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 रुपए को वापस लेने का फैसला लिया गया है, तब से सभी लोगों के मन में यह चल रहा है कि आखिर उनके पास मौजूद 2000 रुपए के नोट को बिना बैंक जाए कैसे खत्म किया जाए। ऐसे में कई लोग 2000 के नोट से सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो कई लोग नोटों को मंदिरों के दान पेटी में डाल रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर में जब दान पेटी को खोला गया तो उसमें से केवल 4 2000 रुपए के नोट निकले। वही 2000 रुपए के नोट की संख्या इसके 17 और 18 मई को कुल 6 नोट थे। वहीं 26 और 27 अप्रैल को 2000 रुपए के सर्वाधिक नोट मिले थे, जिसकी संख्या कुल 25 थी। वहीं इससे पूर्व 25 और 26 जनवरी को 2000 रुपए के कुल 10 नोट दान पेटी से निकाले गए थे।
बिहार में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा 39 जिलों के लिए नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस की ओर से भूमिहार और ब्राह्मणों को तरजीह दी गई है। इसके अलावा राजपूत और मुस्लिमों पर भी दाव खेला गया है। वही सूची में दलित और पिछड़ा वर्ग के चेहरों की कमी देखी गई है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो इस सूची में केवल 2 महिला को शामिल किया गया है। बता दें कि जारी किए गए सूची में पश्चिम चंपारण से भरत भूषण दुबे, पूर्वी चंपारण से शशि भूषण राय, मुजफ्फरपुर से अरविंद मुकुल, सीतामढ़ी से कमलेश कुमार सिंह, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, मधुबनी से मनोज मिश्रा, दरभंगा से सीताराम चौधरी, समस्तीपुर से अबू तमीम, सहरसा से मुकेश झा, सुपौल से विमल यादव, मधेपुरा से सतेंद्र कुमार यादव, अररिया से जाकिर हुसैन, पूर्णिया से नीरज सिंह समेत कई लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आकाश मधवाल के मुरीद हुए इरफान पठान। बीते दिन आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच भिड़ंत देखने को मिली, जिसमें आकाश मधवाल की मदद से मुंबई ने लखनऊ को 81 रन से शिकस्त दे दी। बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच में आकाश मधवाल के द्वारा अपने 3.3 ओवर में महज 5 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए गए, जिसके बाद उनका हर कोई मुरीद हो गया। वहीं उनके शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर इरफान पठान के द्वारा भी स्टार स्पोर्ट्स से खास बातचीत करने के दौरान आकाश मधवाल को लेकर कहा गया कि हमने आज तक हाई प्रेशर मैच में कोई अनकैप्ड प्लेयर की तरफ से इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखा है। आकाश मधवाल ने पिछले 2 मैचों में 9 विकेट चटकाए और मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर तक पहुंचाने में सारा क्रेडिट उनको जाता है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कोलू कुमार, कुमारी संचना, अमित कुमार, पीके पासवान, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, विजेंद्र सिंह, सदुल्लाह पलवी, रूपेश कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, आदित्य कुमार, सुरुचि कुमारी, राजकिशोर महतो, श्रवण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजधानी पटना में अंग्रेजों के द्वारा अनाज रखने के लिए बनाए गए गोलघर पर आप कभी चढ़े हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।